महाभारत एक ऐसा एपिसोड जिसके प्रसारित होते ही शहर, गांव, बूढ़े, बच्चे सारे लोग टीवी के तरफ आकर्षित हो जाते थे। 18 दिनों तक चलने वाले इतिहास के सबसे लंबे युद्ध की कहानी। आखिरकार महाभारत हुआ क्यों? इसके कारण क्या थे? इस महाभारत में विजय कौन रहा और पराजित कौन हुआ? इस महाभारत की शूटिंग कब और कैसे हुई? इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत करते हैं पितामह भीष्म और अर्जुन से। अर्जुन जब अपने धनुष से पितामह भीष्म को तीर मारते हैं, तब वह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने तीर मारते हैं कि पितामह भीष्म का पूरा शरीर मानो जैसे वानों से छल्ली कर दिया गया हो। महाभारत के शूटिंग के दौरान सबसे कठिन और मुश्किल सीन पितामह भीष्म की थी, जिसे अपने बॉडी में सैकड़ों तीर आर पार करने थे। महाभारत एपिसोड के क्रू मेंबर को ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार इस सीन को कैसे फिल्माया जाए। महाभारत के कहानियों में हमें तो यही बताया गया है कि पितामह भीष्म के शरीर को तीर से छल्ली कर दिया जाता है। फिर हम अपने शूटिंग में इस सीन को कैसे फिल्माएं कि टीवी पर देखने वाले लोगों को कहानी और टेलीविजन में फर्क ही ना समझ में आए। हमें दिखाना था कि पितामह भीष्म तीरों के सैया पर इतने दिनों तक कैसे लेटे रहे। हम तीर को उनके शरीर के आर पार तो नहीं कर सकते थे, इसके लिए हमने दो प्लेटें बनवाई। आधी प्लेटों पर हमने तीर का ऊपरी हिस्सा वेल्डिंग कराया और उसे लाल यानी खून के कलर में पेंट कर दिया गया। फिर हम उन्हें उस प्लेटे पर लेटा देते हैं और ऊपर से दूसरी प्लेट लगाते हैं और उस प्लेटे पर तीर का निचली हिस्सा वेल्डिंग करा देते थे। पैरों में तीर लगे होने के लिए हम दो प्लेटों को स्क्रू के मदद से कस दिया करते थे। तब देखने में ऐसा लगता था कि तीर सचमुच शरीर के आर पार हो गया है। इन प्लेटों को कुछ इस तरह लगाया जाता था जो सचमुच देखने में रियल लगता था। पितामह भीष्म के रोल निभाने वाले मुकेश खन्ना बताते हैं कि इस सीन के छोटी से छोटी कड़ी को शूट करने के लिए पूरा दिन लग जाता था और अर्जुन के धनुष से निकली हर तीर तारों के मदद से पितामह भीष्म के शरीर तक पहुंचाया जाता था। महाभारत के युद्ध का सीन काफी मुश्किल से शूट हो पाया था। हुआ यूं कि हमें एक ऐसा मैदान चाहिए था जो पूरी तरह बंजर हो और आसपास कोई हवाई अड्डा ना हो और ना ही दूर तक दिखने वाले कोई टावर, क्योंकि जब महाभारत हुआ था तब तो ना कोई हवाई जहाज था और ना ही बिजली के टावर। काफी मुश्किलों के बाद हमें ऐसा मैदान राजस्थान में मिल जाता है, पर यहाँ भी काफी सारी चुनौतियाँ थीं। युद्ध के लिए लाखों के तादाद में सेना चाहिए, इतने सारे सेना हम कहाँ से लाएं? इसके लिए हमने आसपास के गांव के लोगों को ही शूटिंग में भर्ती कर लिया। इन्हें सेना जैसा ड्रेस पहनाकर इस सीन की शूटिंग पूरी की जाती है। महाभारत मानव इतिहास का सबसे खूंखार और पूरी दुनिया को योद्धाओं से खाली कर देने वाला युद्ध माना जाता है। 18 दिनों में देश दुनिया को मिलाकर 225,000 योद्धा सैनिक मारे गए थे। इनमें करीब 70,00,000 कौरव पक्ष से और 44,00,000 लोग पांडव पक्ष के सेना मारे गए थे। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में ये माना गया था कि इससे शक्तिशाली और इसे हराने वाला कोई नहीं था। कवच कुंडल के साथ पैदा होने वाला योद्धा ये कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। युद्ध के दौरान कर्ण निहत्ते थे, तब कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण को मारने के लिए कहा था। महाभारत युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, क्योंकि यह युद्ध दो परिवार वालों के बीच था जिसमें किसी एक परिवार को मरना ही था। इसीलिए धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने निशस्त्र कर्ण को मारने का फैसला लिया। महाभारत में द्रौपदी की अहम भूमिका रहती है। हम जानेंगे द्रौपदी के 5 पति क्यों थे। महाभारत से पहले द्रौपदी की पिछली जन्म में शादी होती है। शादी के कुछ ही सालों बाद द्रौपदी के पति की मूर्ति हो जाती है। इस बात से द्रौपदी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि जीवन बिताने के लिए द्रौपदी के जीवन साथी नहीं रहे। इसीलिए द्रौपदी ने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगी, इसीलिए द्रौपदी को शिव जी वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें तीर और भाले शामिल हैं। महाभारत में किसकी गलती थी? गलतियां तो बहुत से लोगों ने की, लेकिन सबसे बड़ी गलती द्रौपदी से हुई। उन्होंने दुर्योधन का मजाक यह कहकर उड़ाया कि अंधे का पुत्र अंधा। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के 36 साल बाद अपना देह त्याग दिए,
जब पांडव ने उनका अंतिम संस्कार किया तो कृष्ण जी का पूरा शरीर अग्नि में नहीं समा पाया। यह देखकर पांडव समझ गए थे कि श्री कृष्ण जी का शरीर को यह अग्नि नहीं जला पाया, इसीलिए पांडव ने श्री कृष्ण के शरीर को समुद्र में दहा दिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रेंडिंग रॉकी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट में बताएं कि आपको किस तरह का मूवी का बिहाइंड द सीन देखना पसंद है।